गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। धन्याति धन्य है भारत भूमि जहाँ महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, महाकवि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नानक, तुकाराम जैसे संत महात्मा हुए एवं जगद्गुरु श्री शंकराचार्य, जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्य एवं जगद्गुरु श्री माध्वाचार्य जैसे अलौकिक महापुरुष हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति एवं हिंदू धर्म की रक्षा की एवं आध्यात्मिक जगत में नई चेतना का संचार किया। इन्हीं सब परंपराओं के संवाहक आज जगद्गुरु श्री कृपालु जी महाराज हमारे मध्य विद्यमान हैं, जिन्होंने काशी विद्वत परिषद के 500 शीर्षस्थ शास्त्रज्ञ विद्वानों को अपनी अलौकिक प्रतिभा से अचंभित कर दिया। आज संपूर्ण विश्व उनके शास्त्रों, वेदों, पुराणों एवं अन्यान्य धर्म ग्रंथों पर आधारित विलक्षण दार्शनिक प्रवचनों को सुनकर उनकी विद्वत्ता के सम्मुख नतमस्तक हैं। 14 जनवरी 1957 को काशी विद्वत परिषद द्वारा इन्हें जगत गुरुत्तम की उपाधि से अलंकृत किया गया। प्यारी प्यारी भोले भारे बरसान वारे, प्यारी प्यारी भोले भारे बरसान वारे, एक दिन सुनेगी भरोसा भारी प्यारी, एक दिन सुनेगी भरोसा भारी प्यारी, छोड़ू नहीं पाछा प्रेम दे आना दे प्यारी, छोड़ू नहीं पाछा प्रेम दे आना दे प्यारी, ओ प्यारी प्यारी भोले भारी बरसान वारी, प्यारी प्यारी भोली भारी बरसान वारी, तू तो मेरी थी है रहेगी भी सुकुमारी, तू तो मेरी थी है रहेगी भी सुकुमारी, मैं भी तेरी बनूं ऐसी कृपा करूं प्यारी, मैं भी तेरी बनूं। धन्यो मान्य जगत गुरुत्तम पदैः सोयम् समभ्यर्च्यते। सन 1922 शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि पूर्ण चंद्र आकाश में खिला हुआ शीतल मंद सुगंध वायु का प्रवाह, ऐसे सुखद वातावरण में एक छोटे से ग्राम मनगढ़ में माँ भगवती की गोद में एक शिशु ने जन्म लिया। भगवान राम की कृपा मानते हुए माँ ने इस शिशु को राम कृपालु नाम दिया। उस समय कौन जान सकता था कि यही शिशु जगत गुरु ही नहीं जगत गुरुत्तम बनेगा। आज शरद पूर्णिमा जगत गुरुत्तम जयंती के शुभ अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज के 92 जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई, कोटि कोटि अभिवंदन। निखिल कल्याण गुण गुण निलय मंगलमय भगवान से प्रार्थना है कि युगों युगों तक हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो। आपके द्वारा किए गए अगणित उपकारों के लिए हम चिरकाल तक आपके ऋणी रहेंगे। जगत गुरु कृपालु परिषद के सभी केंद्र आपके हार्दिक आभारी हैं। आपका जीव कल्याणार्थ भागीरथ प्रयास अवर्णनीय है।
आपने विश्व को जो अमूल्य उपहार प्रदान किए हैं उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। आपके द्वारा जो मनगढ़, वृंदावन एवं बरसाना में दिव्य स्मारक बनवाए गए हैं, ये प्रेम एवं भक्ति के साक्षात विग्रह हैं, जो युग युगांतर तक भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित करते रहेंगे। जहाँ मनगढ़ में स्थित भक्ति मंदिर भक्ति योग की क्रियात्मक साधना केंद्र के रूप में भक्ति महादेवी को प्रकाशित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दिव्य प्रेम तत्व को प्रकाशित करते हुए इटली के सफेद पत्थर से निर्मित भव्याति भव्य स्मारक प्रेम मंदिर श्री वृंदावन धाम आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए गौरव का विषय बन गया है। दर्शनार्थियों की दृष्टि में तो यह विश्व का आठवां आश्चर्य है। श्री मद्भागवत पुराण का साक्षात स्वरूप है, जहाँ प्रवेश करते ही भगवदीय प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हो जाता है, विषय वासनाओं का कुप्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। श्री राधा रानी के धाम बरसाना में स्थित रंगीली महल में कीर्ति मैया मंदिर का निर्माण अत्यधिक तेजी से चल रहा है। मंदिर में भक्तों को कीर्ति माँ की गोद में प्रकटित श्री राधा रानी के बाल रूप के अद्भुत दर्शन होंगे, साथ ही श्री श्यामा श्याम अष्ट महासखियों के साथ विराजित होंगे। ये दिव्य स्मारक भारतीय संस्कृति वास्तुकला शिल्पकला के उत्कृष्ट नमूने के रूप में राष्ट्र की अनुपम धरोहर हैं। भारत जिन कारणों से विश्व गुरु रूप में प्रतिष्ठित रहा है, उसके मूलाधार रूप में वेदों शास्त्रों पुराणों के गूढ़तम सिद्धांतों को भी जन साधारण की भाषा में प्रवचन एवं संकीर्तन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाकर तुलसीदास जी की उक्ति भूर्ज तरु सम संत कृपाला पर हित सह नित विपति विशाला को चरितार्थ करते हुए आपने अपना संपूर्ण जीवन जीव कल्याण हित समर्पित कर दिया है। श्रीमत पद वाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य
भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 काशी विद्वत परिषद द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त उपाधियों का क्रियात्मक स्वरूप आपके प्रवचन में स्पष्ट रूप से प्रतिलक्षित होता है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिकल्प जाते तयोरन्यपिप्पलम स्वाद्वर्तनस्नन्यो अभिजाकतीति वेदाच्युतरोपनिषद 4:6। दो पक्षी हमारे हृदय में रहते हैं, एक जीव का बाप भगवान श्री कृष्ण, एक है बालक, एक उसका पालक, दोनों एक जगह पर रहते हैं। यहां तक कि यह आत्मनिधिष्ठति यस्याक्षरम शरीरम वेद कह रहा है, ये आत्मा भगवान का शरीर है। जैसे ये शरीर और इसका शरीरी आत्मा, ऐसे आत्मा भी शरीर, आत्मा का शरीरी परमात्मा। आप समन्वयवादी जगत गुरु हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए भक्ति योग का प्राधान्य सिद्ध करते हैं। समस्त शास्त्रों वेदों का सार स्वरूप कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन ग्रंथों के रूप में भी प्रकट करके जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने जन साधारण एवं विद्वत वर्ग के लिए भी महान उपकार का कार्य किया है। हिंदी साहित्य को एक बहुत बड़ा खजाना प्रदान किया है। शोध प्रबंध हेतु विद्यार्थियों के लिए अनुपम उपहार है। अभी तक 4 शोध प्रबंध हो चुके हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में उनके साहित्य पर शोध कार्य चल रहा है। इनके द्वारा प्रणीत ग्रंथों की सूची इस प्रकार है। श्री श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण गान संबंधी ग्रंथों में 1008 पदों से युक्त प्रेम रस मदिरा, 11111 दोहों से युक्त राधा गोविंद गीत, 1008 दोहों के रूप में श्यामा श्याम गीत, 100 दोहों के रूप में भक्ति शतक ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त युगल शतक, युगल रस, युगल माधुरी, ब्रजरस माधुरी 3 भागों में प्रकाशित ग्रंथ हैं। विलक्षण दार्शनिक सिद्धांत संबंधी ग्रंथों में प्रेम रस सिद्धांत, सेवक सेव्य सिद्धांत, भक्ति शतक हैं। कृपालु भक्ति धारा के अंतर्गत लगभग 700 दोहे हैं जो आप प्रायः रचना करते रहते हैं और व्याख्या भी करते हैं। प्रत्येक दोहा ब्रह्म सूत्र का भाष्य ही है। इनका संकलन किया जा रहा है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा जन सेवा कार्य, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं, जगत गुरु कृपालु परिषद ने क्रमशः मनगढ़, बरसाना एवं वृंदावन में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त 3 पूर्णतया निःशुल्क अस्पतालों की स्थापना की है। जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय भक्ति धाम मनगढ़ की स्थापना 3 नवंबर 2003 को हुई। यहाँ प्रतिदिन लगभग 1000 मरीजों की चिकित्सा सेवा की जाती है, जिससे आसपास के 300 से 400 किलोमीटर क्षेत्र तक की जनता लाभान्वित है। 75 बिस्तर वाले इस अस्पताल में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी व एक्यूप्रेशर से उपचार होता है। जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय रंगीली महल बरसाना 14 जनवरी 2007 से कार्यान्वित है। इस चिकित्सालय में प्रतिदिन ब्रजमंडल में रहने वाले लगभग 400 से 500 मरीजों की चिकित्सा सेवा होती है। इन दोनों चिकित्सालयों से भी बड़ा चिकित्सालय श्री वृंदावन धाम में ब्रजवासियों के सेवा हेतु शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है। जगत गुरु कृपालु
चिकित्सालयों द्वारा समय समय पर नेत्र चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर, हृदय रोग शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शिविर आयोजित किए जाते हैं। पिछले 8 वर्षों में 20 नेत्र चिकित्सा शिविर, 17 रक्तदान शिविर, 39 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शिविर आयोजित किए गए, जिनमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए, लोगों ने रक्तदान दिया एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने गरीब जनता के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पतालों का निर्माण कराकर अपने कृपालु नाम को चरितार्थ किया। इतना ही नहीं, उनका ध्यान अभावग्रस्त बालिकाओं की शिक्षा की ओर भी आकर्षित हुआ। अतः जगत गुरु कृपालु एजुकेशन द्वारा प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील में 3 निःशुल्क शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं, जिनमें नर्सरी से लेकर स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्रदान की जा रही है। कृपालु बालिका प्राइमरी स्कूल, कृपालु बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज एवं कृपालु महिला महाविद्यालय, इसके अतिरिक्त MBA कॉलेज का निर्माण प्रगति पर है। जगत गुरु कृपालु परिषद द्वारा संचालित ये शिक्षण संस्थान कुंडा जैसे ग्रामीण परिवेश में एक वरदान है। हजारों बालिकाओं का सुनहरा भविष्य बन रहा है। यहाँ बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ समय समय पर यूनिफॉर्म, पुस्तकें, स्कूल बैग, स्टेशनरी एवं दैनिक उपयोग में आने वाली अनेकानेक सामग्रियों का निःशुल्क वितरण भी किया जाता है। इन संस्थानों की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि ये धर्म निरपेक्ष है। जगत गुरु कृपालु परिषद द्वारा समाज के लिए अन्य विभिन्न सेवाएं भी की जाती हैं। जगत गुरु कृपालु परिषद द्वारा महिला ग्रामोद्योग की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त समय समय पर ग्रामीण निर्धन कन्याओं का विवाह, विकलांग सेवा, साधु भोज, ब्रह्म भोज, विधवा भोज आयोजित किए जाते हैं। वृंदावन में निवास कर रही विधवाओं, साधुओं, नेत्रहीनों, विकलांगों एवं कुष्ठ रोगियों को समय समय पर कंबल, छाता, ऊनी वस्त्र, बर्तन एवं दैनिक उपयोग में आने वाली अन्य वस्तुओं को दान स्वरूप दिया जाता है। आपने कोई नया संप्रदाय या धर्म नहीं चलाया, आज तक कोई शिष्य नहीं बनाया, किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया, फिर भी महान आश्चर्य है कि उन्होंने लोगों से मांग मांग कर इतना प्रबंध कर दिया है कि JKP द्वारा संचालित जन कल्याणकारी संस्थाएं अत्यधिक सुचारू रूप से निस्वार्थ जन सेवा कर रही हैं, और ये संस्थाएं भविष्य में भी इसी प्रकार चलती रहें, उसका भी प्रबंध कर दिया है। जो भी उनको जनता से पैसा मिलता है उसका 100% उपयोग जन कल्याण हित ही होता है। गरीबों की दुर्दशा देखकर वे अत्यधिक द्रवित हो जाते हैं, अतः उन्होंने श्यामा श्याम धाम, श्री वृंदावन धाम, निराश्रित महिलाओं, नेत्रहीनों एवं कुष्ठ रोगियों की सेवार्थ एवं भक्ति धाम मनगढ़ में ग्रामवासियों की सेवार्थ निर्धन सहायता कोष स्थापित किया है। जगत गुरु कृपालु परिषद द्वारा राष्ट्रीय आपदाओं में सहयोग सराहनीय है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भूकंप सहायता में 10 लाख की अनुदान राशि दी गई। 11 जनवरी 2005 को सुनामी सहायता में 15 लाख रुपए की धन राशि, 3 सितंबर 2008 को बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए दान स्वरूप 2 करोड़ रुपए की धन राशि एवं 26 जून
2013 को उत्तराखंड बाढ़ पीड़ितों के लिए उत्तराखंड सरकार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई। इनके अपने नाम कोई जमीन नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। पिता द्वारा प्राप्त सब जमीन भी ट्रस्ट के नाम लिख दी है। अपना सब कुछ देकर स्वयं को भी पूर्णतया जीव कल्याण हित समर्पित कर दिया है, लेकिन नाम और यश से सदैव दूर रहते हैं। उनका कहना है कि ये संसार भगवान का है, संसार का सब सामान भगवान का है और हम सब भगवान के बच्चे हैं, इसलिए सबका अधिकार सबके सामान पर है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सेवा का मेरा नाम है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मैंने तो लोगों से ही मांगा है और उसके लिए मैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने जन कल्याण में सहयोग किया है या कर रहे हैं।